भी दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, उसे तूफान कहते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अंजलि आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आप सभी का हमारे अकेडमी परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय सोहन जी खोखर, मुख्य अतिथि Now it's our duty to make our country feel proud of it. Now I would like to invite Sampat sir to welcome our president. अब मैं महावीर सर से अनुरोध कर तेरी शान है, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सिर हमेशा ऊंचा रखना इसका, जब तक तुझमें जान है, जब तक तुझमें जान है। इसको है ना आटा ही बनाने से सीता मतलब है इनका भी अरे सबका ही बना देता हूँ एक बार मुख्य अतिथि जी व सभी आए अतिथियों से अनुरोध करती हूँ कि वे आए और माँ शारदा के चरणों में पुष्प अर्पित कर आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। सारा संसार है जिसकी शरण में नमन है उन माँ के चरण में, सारा संसार है जिनकी शरण में नमन है उस माँ के चरण में, हम हैं उन माँ के चरणों की धूल, आओ मिलकर चढ़ाते हैं उनको अपनी श्रद्धा के फूल। Thank you.
मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के आतोस के सरपंच साहब अर्जुन सारण जी, वो उनके पास समय का अभाव था इसलिए अभी भी किसी दूसरे स्कूल में जा रहे हैं, बाकी आगे का प्रोग्राम जारी रखें। हेलो, मंचमान विराजमान समस्त गुरुजन और राम से आप पधारे हुए सम्मानित मेहमानगण और मेरे छोटे बड़े भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम आज राष्ट्र पर्व स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये स्वतंत्रता दिवस एक पर्व है जिस पर्व पर हमारे देश को आज़ाद कराने में बहुत सारे वीर योद्धा और बलिष्ठ महान राजाओं ने अपना योगदान दिया था, तो उन योगदान के उन राजाओं की श्रद्धाओं को हम वापस इस दिवस पर याद करते हैं। तो इसी प्रकार से एक महाराजा थे, महाराजा राणा थे, इनका नाम था महाराणा, और वो महाराणा प्रताप वीर योद्धा पराक्रमी थे। उनके बारे में मैं चार शब्द कहना चाहूँगा, अगर कोई त्रुटि हो तो अपना छोटा भाई समझ कर सुना गए। भोटीले घोड़े रासवार मारा मेवाड़ी सिरदार राणा, राणा तारी कताल सुनने अकबर धूजो जाए, राणा तारी कताल सुनने अकबर धूजो जाए, हल्दी घाटी रंगी गुन सुनालो बे तो जाए के बेगी, मेवाड़ी तलवार च बह गया खूना राखे कार राणा, सुनता ही जा जो जी मेवाड़ी राणा, सुनता ही जा जो जी, चेतक चढ़ गवाती पर और मान सिंह घबरा, चेतक चढ़ गयो हाथी पर और मान सिंह घबरा, बालो फेंक्यो माराणा जद ओद्यो टूट्यो जाए, किरण में घमासान मचवाए बेरी रण सुभाग्य जाए राणा, सुनता ही जा जो जी मेवाड़ी राणा, सुनता ही जा जो जी, जालो गयो सुरंगा माही पातल लोयलवाय, जालो गयो सुरंगा माही पातल लोयलवाय, चेतक तन सुबये पनाड़ो कर तब बरण्य न जाए, माने जीवन सुनई प्यार माने मरणो एकण वार राणा, सुनता ही जा जो जी मेवाड़ी राणा, सुनता ही जा जो जी, शक्ति सिंह की गर्दन जुल मुंडे आए के दोन्यो आंसू डांडल गाए वारी, महा कुण छुटवाए राणा, सुनता ही जा जो जी मेवाड़ी राणा, सुनता ही जा जो। Now let's welcome time, faith in the words, pride in our hearts and the memories in our soul. Let's salute our nation on that Independence Day. A very warm good morning to all my respected teachers, chief guests and my dear friends. I, Anmol, today we are gathered here to celebrate the 75th Independence Day.
as we all know that the Independence Day is an auspicious occasion for all of us. India's Independence Day is the most important day to all the Indian citizens and has been mentioned forever in the history. It is the day when we got the freedom from the British rule after the many years of the hard struggle by the great freedom fighters of our India. We celebrate Independence Day every year on the 15th of August. After independence, we got our own constitution and we are able to enjoy our own fundamental rights. At last, I want to say that we should not forget the sacrifice of all our freedom fighters who fought to make India free from the colonial rules of the Britishers. We should remember the teachings of the freedom fighters. Thank you. Every single child of our country feel proud to be a part of it. One such energetic and proud child, Komal Shekhawat, is heartily invited on the stage to perform her dance on the song Desh Rangila. Welcome, Komal, with a big round of applause. Ah!
मंच पर पधारे हुए अतिथिगण आपके सामने पेन और कागज रखे होंगे। जो भी प्रस्तुति दे इनको आपको मार्क्स देना, जो सबसे बेस्ट होंगे उनका नाम आपकी तरफ से आना चाहिए। धन्यवाद। और बीच बीच में तालियां बजाते रहे, परफॉर्मर का भी हौसला बढ़ता। धामलो दिल को सब ये जमीन चूम कर सब कहो झूम कर Thank you.
जकड़ा हुआ है मुल्क मेरा कुर्सी के खेल में, इसीलिए ये वतन आबाद है। जकड़ा हुआ है मुल्क मेरा कुर्सी के खेल में, इसीलिए ये वतन आबाद है। उखड़ी है सांसे किसी की लार की सरहद पे, इसीलिए ये वतन आज़ाद है, इसीलिए ये वतन आज़ाद है। ताली बजा दो, शर्म आ जाएगी कोई नहीं। हाँ मैं बंदूक लेके सर पे संदूक लेके जाना पड़े ओडरा पे, डूटी लगे बोर्डरा पे, खड़े रहे सीने में फौलाद भर के, रोए जास घर क्या न याद कर के, घरा ठीक ठाक सारे समझा के आइए भोले, घरा ठीक ठाक सारे समझा के आइए भोले, कदे फौजिया के तंबू में भी जाके आइए भोले, कदे फौजिया के तंबू में भी जाके आइए भोले। सुपने में दिखे बापू पानी लाता खेत में, लाडली सी बेटी दिखे खेलती खेलती रेत में, बालका की मम्मी दिखे बाट में खड़ी, बूढ़ी माँ बीमार दिखे खाट में पड़ी, इसे सुपने की नींद ते जगा के आइए भोले, इसे सुपने की नींद ते जगा के आइए भोले, कदे फौजियाँ के तंबू में भी जाके आइए, कदे फौजियाँ के तंबू में भी जाके आइए भोले। ओके मजबूर गया घर क्या ते दूर, पापी पेट का सवाल सागे देश का भी ख्याल, डूटी देन चोटियाँ पे जाना पड़े रोज, पहाड़ा की चढ़ाई गलिया असले का बोझ, जान लेन वाले उड़े बहुत घूमे जा सस सारी हाना आगे पाछे मौत घूमे जा सै, कई बे तो सब छोड़ छाड़ के भाजन का जिक्र जा सै, पता लग गएगा घर उन वे को भरती खातर, धरती बेची बापू के सर कर जा सै, जय घर बसता हो गांव की गलियां बोलन में के अर जा सै, तम रैम न सो
तमरेम न सोचो अंकित का जो दर्द खा के खोले हैं, गाकर जाएंगे छाती में जो बोल गीत में बोले हैं, वो रब जाने उस फौजी फौजी की कितनी जिंदगी बाकी है, पावेगा कफन उस बॉडी पे जिस बॉडी पे इब खाखी है, टूट फूट के बिखरेंगे जो बांधे सुपने झोड़े में, ना आया जिक्र से दाम में कई मर गए फौजी रोड़े में, कोई गवर्नमेंट का चमचा आके घर क्या न समझावेगा, उनके लेना घर कौन भी बस वोट बांध के जावेगा, 1.5 लाख का चेक काट के जान की कीमत लावेगा, बेटा दियो मेरा बेटा दियो माफी से लेन ते नटेगी एक मेडल गलिया, विधवा खोजन चुप कर जिंदगी काटेगी, देख के बेबे रोवेगी वा लिपटी लाश तिरंगा में, याद दिलाते ना जाती चाहे बह जाओ अस्थी गंगा में, कुर्सी आड़ो तमके जानो तारे काम मने से ऑर्डर ते जे असली बाप के बेटे सो तो अपने जमे बच्चा ने कदे भेज के देखो बॉर्डर पे, ना तो भारत माँ के सच्चे सेवक फौजी की रिस्पेक्ट करो, डर लाग नौकरिया घर ने उजाड़ जा, बैरिया की गोली अगे छाती ने पाड़ जा, डर लाग नौकरिया घर ने उजाड़ जा, बैरिया की गोली अगे छाती ने पाड़ जा, डेट बॉडी जावेगी मनोदा गाँव में, भूल जाएंगे लोग फौजी तेरे नाम ने, थोड़ा देश खातर हौसला जूटा के आइए भोले, थोड़ा देश खातर हौसला जूटा के आइए भोले, कदे फौजिया के तंबू में भी जाके आइए वो, कदे फौजियां के तंबू में भी जाके आइए भोले, जय हिंद। दिल टुकड़ों में बिखर गया एक शहीद फौजी की माँ बोली, साहब इंच एक इंच भी कम कद कम होने पर आप आर्मी में नहीं लेते, साहब कद अगर एक इंच भी कम हो तो आप आर्मी में नहीं लेते, और मैं आधा शरीर कैसे ले लूं। धन्यवाद अंकित, बहुत ही सुंदर गीत के माध्यम से इन्होंने हमें बताया कि कैसे एक फौजी अपना सब कुछ छोड़कर अपने देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर खड़ा रहता है। अब मैं किरण को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और अपना नृत्य प्रस्तुत करें। आवाज कर दे, हमने कहा है जो तुम दिखा दो, हे प्रभु नदियां वालों, गुरी नजर ना हम पे डालो,
ना सरकार मेरी है, ना रब मेरा है, ना ही बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का घमंड है मुझे, बस इतनी सी बात का घमंड है मुझे कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तान मेरा है, हिंदुस्तान मेरा है। अब बारी है सचिन योगी की कि वो आए और अपना मीठा देशभक्ति गीत सुनाकर हमें मंत्रमुग्ध करें। मंच पर विराजमान अतिथि महोदय, गुरुजन एवं मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज सबको पता है आज स्वतंत्रता दिवस है, इसलिए हम एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। मैं आपको एक देशभक्ति गाना सुनाना चाहता हूं, अगर कोई त्रुटि हो तो माफ करना, क्षमा करना। ए मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। पर मत भूलो सीमा पर, वीरों ने प्राण गवाए, कुछ याद है उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आज़ादी, जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आज़ादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर के माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दीवाली, वो खेल रहे थे होली, जब देश में थी दीवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली, थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मदरासी, कोई गुरखा कोई मदरासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी, जो खून गिरा पर्वत पर, जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथ पथ काया, फिर भी बंदूक उठा के, दस दस को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के, क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं, खुश रहना देश के प्यारो, खुश रहना देश के प्यारो,
अब हम तो सफर करते हैं, तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद जय भारत। जोरदार तालियों से स्वागत करें कृतिका का। Yeah.
ताले बजा लो
ये दिवस मनाने के पूर्वजों को बहुत बड़ा योगदान रहा और आज कुर्बानियों को इस आर्थिक युग में भुलाना नहीं चाहिए और हमें याद ध्यान रखना चाहिए कि मेरा कोई भी कार्य देश विरोधी ना हो और देश हित में हो और ये कार्य देश के हित में हो और ये देश की सेवा में लगन रहे और बच्चन जो कि आज ये कार्यक्रम किया बहुत सर्वोपरि रहा और योगदान रहा आप लोगों के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद।
उसे एक नाम मिल जाए, अगर गुमनाम है कोई उसे एक नाम मिल जाए, मिले आशीष जिन्हें इनका उसे पहचान मिल जाए। भला कैसे नहीं उसका मुकद्दर रंग बदलेगा, भला कैसे नहीं उसका मुकद्दर रंग बदलेगा, जिस अगर बच्चों को आप जैसे शिक्षक मिल जाए, अगर बच्चों को आप जैसे शिक्षक मिल जाए। अब मैं अपनी अकेडमी के फिजिकल प्रबंधक मिस्टर देवेंद्र सिंह राठौर सर को आमंत्रित करती हूँ कि वे मंच पर आए और अपने शब्द कहकर बच्चों का हौसला बढ़ाएं। जय हिंद जय भारत। मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों एवं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हम यहाँ पर 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और 75वां स्वतंत्रता दिवस जो हम मना रहे हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ लाल किला के प्राचीर से लेकर के हर गली और मोहल्ले तक ये मनाया जाता है और इसकी महत्ता ये बताती है कि ये जो हमें स्वतंत्रता दिवस जो मनाया है, ये स्वतंत्रता हमें ऐसे ही नहीं मिली है, ये हमारे उन रणबांकुरे और फ्रीडम फाइटर्स के त्याग और बलिदान को याद दिलाता है। इसलिए हमें यहाँ पर इस राष्ट्रीय पर्व में हमें ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी लेनी चाहिए और उन शहीदों को जिन्होंने फ्रीडम फाइटर्स ने अपने त्याग और बलिदान दिया है, उसको इस दिन याद करना चाहिए। तो ये जो स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, इसके अंदर हमने पूरी सहयोग और हमारी तरफ से पूरी कोशिश रही है कि यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं उन सभी को याद दिलाया जाए कि ये जो स्वतंत्रता आप लोगों ने इस तरह से देख रहे हो, ये स्वतंत्रता का संघर्ष किया है, जिनमें से बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिनको इतिहास के पन्नों में जगह मिल गई है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनको जगह नहीं मिली और वो नींव की ईंट है। इस आज़ादी स्वरूप हमारे इस मीनार के नींव की ईंट जो बने हुए हैं, उन शहीदों को याद करने के लिए आज हमारा ये दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। इस दिन के लिए हमें उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमारे को अगर आर्मी में चले गए होते तो हम भी देश सेवा कर लिए होती, या इस तरह की बहुत से लोग बातें करते हैं कि हमें मौका ही नहीं मिला देश सेवा का। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि देश सेवा का जज्बा दिल में होता है, दिल के किसी कोने में इस तिरंगे के लिए दिल धड़कता है और वो पैदाइशी से ही आता है, हमारे जो संस्कार होते हैं उनसे आता है, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उनसे आता है और उसके लिए हमारे को किसी सेना की जरूरत नहीं है। हर इंसान वो जो देश का नागरिक है और एक सच्चे नागरिक की भूमिका निभा रहा है और जिस फील्ड में जिस जगह वो काम कर रहा है वहाँ सही ईमानदारी के साथ अगर काम करता है तो वो देश सेवा कर रहा है और देश सेवा का जज्बा अगर दिल में है, हमें उन सब चीज़ों से नकारात्मक उन सभी चीज़ों से दूर रहना चाहिए जो है सामाजिक तत्व है या जो देश की तरक्की में बाधक है, उनसे अगर हम दूर रहते हैं और अगर कभी कहीं भी देश की तरक्की में बाधक हुए उन चीज़ों का हम आवाज़ उठाते हैं तो हम देश सेवा कर रहे हैं। देश सेवा का जज्बा अगर हमारे दिल में है और हमें सब लोगों को, वो जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे जिन लोगों ने हमारे देश को जो ये विरासत हमें सौंपी है और उन लोगों ने जो सपना देखा था बहुत सालों पहले, जो हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो सोने की चिड़िया आज हमें जो विश्व गुरु कहा जाता था हमारे देश को, हमें उस विरासत को वहां तक लेके जाना है और उसके लिए हमें हमारे देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होना है। मैं चंद लाइनें कहना चाहूंगा कुछ हमारे इस तिरंगे के अंदर, कुछ तो नशा है इस तिरंगे का, कुछ तो नशा है इस तिरंगे का, कुछ तो नशा है इस मातृभूमि की शान का, कुछ तो नशा है इस मातृभूमि की शान का।
ये तिरंगा फहराएंगे, ये तिरंगा फहराएंगे हर जगह हिंदुस्तान का। इस कुछ तो नशा है इस हिंदुस्तान की शान का। बहुत बढ़िया दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप 3 बार मेरे साथ बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। थैंक यू। आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे आए और आकर अपनी हरियाणवी रागनी प्रस्तुत करें। पड़े मुसीबत बेटा इस उम्र जवान में, भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। सो पड़े मुसीबत बेटा, सो पड़े मुसीबत बेटा उम्र जवान में, भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। हिंदवासी ढंग नया करेंगे, हिंदवासी ढंग नया करेंगे, तेरी बड़ाई करया करेंगे, तेरी बड़ाई करया करेंगे। शेर की मां मन कया करेंगे, शेर की मां मन कया करेंगे इस हिंदुस्तान में। भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में, भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। सारी जिंदगी मैं तेरे गीत सुनूंगी, सारी जिंदगी मैं तेरे गीत सुनूंगी, फिर दोबारा तेरी माँ बनूंगी, फिर दोबारा तेरी माँ बनूंगी, अगले जन्म मैं फिर जड़ूंगी, अगले जन्म मैं फिर जड़ूंगी, ऐसी संतान रे। भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में, भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। ईसा एक गोरख धंधा बने, ईसा एक गोरख धंधा बने, आजादी कद किला चिने, आजादी कद किला चिने, बटा कौन भगत सिंह सापूत जने, भगत सिंह सापूत जड़े बता कौन जहान में। भगत सिंह कद जी घबरा जा कदे बंद मकान में, भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में, भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। धन्यवाद धन्यवाद। अगर तू दरिंदा है तो शमशान तेरा है, भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और कब्रिस्तान भी तेरा है। सोदिया है और कालवाड़ से, इन्होंने दिल्ली पुलिस की तैयारी की थी यहाँ पर, और जब ये जा रहे थे तब भी इनके पाँव में तकलीफ थी, अभी भी आप देख सकते हो इनको चलने में प्रॉब्लम हो रही है। तकरीबन 20 दिन हो गए, तकरीबन 20 दिन हो गए इनको अपना फिजिकल पास किए हुए, लेकिन अभी भी इनको चलने में तकलीफ है। इन्हें मैं कहता था, जैसे ये शोभा सिसोदिया है, मैं इन्हें कई बार बोलता था कि महाराणा प्रताप की वंशज तो नहीं हो कई बार, और कई बार जब ये फिजिकल करती थी तो मैं इसे बोलता था ज़्यादा चेतक मत बन, लेकिन इन्होंने वास्तव में दिल्ली के उस ग्राउंड के अंदर इन्होंने चेतक से कम काम नहीं किया है। इनके चोट लगने के बावजूद भी इन्होंने 1600 मीटर की दौड़ पास की है, 1600 मीटर की दौड़ ही पास नहीं की है, बल्कि इन्होंने जो लॉन्ग जंप था वो भी किया है और हाई जंप भी किया है, और इवन कि उस कंपटीशन को पास किया है। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए, बहुत बढ़िया, हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। यहाँ हर कदम कदम
ओए अरना लाडी लाडी रे ओए धन्यवाद निकिता, जोरदार तालियां निकिता के लिए एक बार। अब मैं सोहन जी खोखर को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और आकर आज के प्रतिभागियों को ट्रॉफी देकर उनका सम्मान करें। सबसे पहले जो प्रथम स्थान पर रहे हैं वो हैं, अब यहाँ पर आज सभी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया और प्रथम एक होता है, परंतु आज जजेस को सभी की परफॉर्मेंस इतनी पसंद आई कि उन्होंने तीन तीन बच्चों को प्रथम स्थान दिया है। अब हम आमंत्रित करते हैं नितिका को, जिन्होंने तेरी मिट्टी गाने पर नृत्य प्रस्तुत किया था। जोरदार तालियों से स्वागत करें नितिका। उसके बाद शोभा दी 10 अंक प्राप्त करके। धन्यवाद। अब मैं सुरेश को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और अपना मोमेंटो प्राप्त करें। मंच को सुशोभित करने के लिए पधारे हुए मेरे अतिथिगण मोहन सिंह जी हाथोज, सोहन जी खोखर, जितेंद्र सिंह जी और बाकी भी अतिथिगण और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम सभी ने पूरा भारतवर्ष 75वां स्वतंत्र, ये जो अपने को 75 साल तक कंटिन्यू स्वतंत्रता दिवस मनाने का अवसर प्राप्त हुआ, इसके लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत ही बड़ी कुर्बानियां दी। उन कुर्बानियों को हम सिर्फ राष्ट्रीय ध्वज को लहराकर और थोड़ा बहुत मनोरंजन करके मनाएं तो उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि नहीं हो सकती। जरूरी है दोस्तों कि उनके लिए हमें कोई ऐसा प्रण लेना चाहिए जो देश हित के लिए हो। वो प्रण किसी भी तरह का हो सकता है, हमें हर राष्ट्रीय दिवस पर कोई ना कोई एक ऐसा प्रण लेना चाहिए जिससे हमारा ये दूषित समाज जो हो रहा है इसमें कुछ सुधार आए। हमारे जो पूर्वजों ने अपना पूरी कुर्बानियां दी, किसी ने अपने बेटे को कुर्बान किया, किसी बहन का भाई उस कुर्बानी की लिस्ट में आ गया, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा होगा कि मेरा भारत देश ऐसा होगा जहां हमारा समाज इतना दूषित हो जाएगा। तो दोस्तों, इस अगर आपको सही राष्ट्रीय दिवस मनाना है तो आप लोगों को, हम पूरे भारतवासियों को, जो देश के अंदर हमारे समाज के अंदर जो विभिन्न प्रकार की दिक्कतें आ रही है उनको अपने खुद के स्वाम, अगर मैं खुद ठीक हो गया तो पूरा समाज ठीक हो जाएगा, वो सब काम करने चाहिए जो मैं समाज से उपेक्षा करता हूँ कि मेरे प्रति करे। वो अगर आप सबके लिए सोच रखेंगे तो आपका समाज बिल्कुल
जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने सपना समझोया था उस तरह से बिल्कुल रहेगा। दोस्तों, आपकी ये इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी अक्टूबर 2019 में शुरू हुई थी और जो आपके सामने मंच के ऊपर बैठे हैं ये और कोई ऐसी विभूतियाँ हैं जो यहाँ अभी किसी कारणवश नहीं पधार पाई, उन सब के मार्गदर्शन, दिशा निर्देशों और सहयोग से इसकी शुरुआत हुई। अभी एक बच्ची डांस कर रही थी तो उसके बीच बीच में शुरू के अंदर गाने के अंदर थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई तो वो दुखी हो गई। बेटा, दुखी नहीं होना चाहिए। इस अकेडमी के साथ भी ऐसा ही हुआ, जैसे ये अकेडमी थोड़ा बहुत रन किया 3-4 महीने बाद फिर लॉकडाउन लग गया कोविड-19 के कारण, लेकिन हम सब ने हिम्मत नहीं हारी, फिर वापस नए जोश से खड़े हुए और दोबारा बहुत बढ़िया मेहनत की अकेडमी परिवार के सभी स्टाफगण और बच्चों ने। तो आज हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमने एयरफोर्स एक्स ग्रुप के अंदर जो फर्स्ट बेस्ट था उसके अंदर हमने 100% रिजल्ट दिया, वो किसी भी एक संस्था के लिए बहुत ही कीर्तिमान है, अपने आप में गर्व का विषय है। अभी हाल ही के अंदर दिल्ली पुलिस, उसके अंदर हमारे पास टोटल इस कोविड के कारण 31 परिवार के बच्चे जुड़े हुए थे जिसमें लड़की और लड़के दोनों थे। कम समय के अंदर, जबकि भारत सरकार के निर्देश नहीं थे कि कोई भी ऐसी एक्टिविटीज हो, फिर भी उन बच्चों ने और हमारे फिजिकल कोच देवेंद्र सर ने दिन रात मेहनत की। और मैं धन्यवाद देता हूँ उन बच्चियों, उन बेटों को जिन्होंने देवेंद्र सर की हर बात मानी, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे फिजिकल रिलेटेड हो और चाहे खाने की डाइट हो। आज वो ही एक मेहनत और सही दिशा निर्देश है जिसके लिए मैं आपके इस मंच के ऊपर खड़ा होकर बोल सकता हूँ कि मैंने इस छोटे से पीरियड के अंदर वो रिजल्ट दिया जो किसी भी संस्था के देने के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। 31 आदमियों के बीच में से 31 कैंडिडेट के बीच में 27 सही रिजल्ट देना कोई आम बात नहीं है। यह उन बच्चों और हमारे फिजिकल कोच और मैनेजमेंट, इन सब का बहुत कठिन दिन रात की मेहनत है, इसलिए इस मुकाम पर हम लोग पहुंचे। मैं मेरे पधारे हुए अतिथि गणों से और सबसे भगवान से प्रार्थना करता हूं इसी तरह से यह एकेडमी और मेरा देश इसी प्रगति के पहिए पर चलता रहे। अभी हाल ही में गेम हुए हैं, उसके अंदर हमारे भारत के बहुत से खिलाड़ियों ने बहुत बढ़िया परिणाम दिया है जो काफी दिनों से हम इंतजार कर रहे थे। आज नीरज चोपड़ा जो कि देश का हीरो है, मैं चाहता हूं कि देश के सभी युवा वर्ग खेलों में हिस्सा ले। कल तक नीरज चोपड़ा को कोई नहीं जानता था, आज वो इंटरनेशनल लेवल का हीरो है और सिर्फ वो खेल के अंदर उसने महारत हासिल की। आपके पास तो देवेंद्र सर जैसे फिजिकल कोच है जो कम से कम एथलेटी और फिजिकल के अंदर तो अपने आप में एक PhD किए हुए हैं, उनके मार्गदर्शन में आप चाहें तो वो 4 चांद लगा सकते हैं जिसका सपना हर एक भारतीय संजोए रखता है। आप लोगों को बढ़िया मेहनत करनी चाहिए, सही मार्गदर्शन में करना चाहिए। दोस्तों, आप जो मेरे सामने बेटे और बेटियां बैठे हैं या घर परिवार छोड़कर आए हैं सिर्फ और सिर्फ इस सपने को लेकर कि मैं एक भारतीय सेना की वर्दी पहनूंगा या फिर कोई डिफेंस सिक्योरिटी एजेंसीज की वर्दी पहनूंगा, उसके लिए ज़रूरी है जितना आपको आपकी संस्था गाइड करती है उसको ढंग से आप अपने पूरे दिन की दिनचर्या में समाहित करें। कोई कारण नहीं है कि आपको एक अच्छी सफलता ना मिले। मैं गारंटी देता हूं इस मंच के माध्यम से कि आपको पूर्ण सफलता मिलेगी, सिर्फ बताए हुए कामों को ध्यान दें और जब आप वो वर्दी पहन लें उसके बाद देश सेवा को हो मैन रखना, बाकी जो आपके सिविल बाजार के अंदर गंदगियां हैं वो नहीं आनी चाहिए। एक डिफेंस ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिस पर पूरा देश ये विश्वास करता है कि वहाँ किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं है, और आप डिफेंस में जुड़ गए तो आपका पूरा परिवार डिफेंस में जुड़ गया, आपके पूरे परिवार से भारत देश उम्मीद करता है कि आपका परिवार तो कम से कम इस भ्रष्ट जिंदगी में लिप्त ना हो। आज हमारा कार्यक्रम कुछ एक कारणों से थोड़ा लेट हो गया, इसलिए आपको मौसम के कारण थोड़ी समस्याएं आ रही होगी, परेशानी आ रही होगी, हमारे जो अतिथि होते हैं वो भी परेशान हो रहे होंगे, लेकिन ये कोई जो आपका ये फंक्शन था ये कोई स्कूल
या कॉलेज का नहीं, ये एक डिफेंस एकेडमी का है। और डिफेंस एकेडमी में सब वो चीज़ें होती है जो फील्ड के अंदर एक फौजी को कठिनाई आती है। तो अगर हम यहाँ एसी, कूलर और टेंट लगाते हैं तो इसका मतलब हम वो काम नहीं कर रहे हैं जिस काम के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमें ज़रूरी हमारा वो सारे काम उस लेवल के होने चाहिए कि अपन वहाँ उन कठिनाइयों को पार कर सके। आपके सामने अभी आप ही की बहन ये शोभा सिसोदिया जिस कंडीशन में आपने आज देखा वहाँ से यहाँ तक चलती आ रही थी, इसी कंडीशन में ये दिल्ली गई थी और आपके सामने एक रिजल्ट लेके आई थी। उसका कारण ये था कि इसने किसी एसी वाले हॉस्पिटल के अंदर अपना पैर किसी एक पट्टी के बांध के ऊपर नहीं लटकाया, इसने उसी ग्राउंड के अंदर तपस्या की, इसी दौर के अंदर तपस्या की और उसका नतीजा आपके सामने है। तो आपको इस बौद्ध विलास की ज़िंदगी के अलावा आप जिस उद्देश्य से आए हो उसी अनुसार आपको अपने जीवन को अगर ढाल लिया तो आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। आपका अभी समय ज़्यादा लेने के कारण धूप है, आप लोग परेशान हो रहे होंगे, तो मैं मेरी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। अभी जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके जो मिठाई है प्रसाद है वो वितरण किया जाए, जिन जिन को खड़े हो वो मिठाई इनको वितरित करते रहो, मैं बोलता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। बाकी इस आज इस विशेष प्रोग्राम के अंदर जो मेरे अतिथिगण आए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार उनका कि उन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल कर और इस मंच को सुशोभित किया। और बाकी भी जो पधारे हुए मेहमान हैं उन्होंने उनको भी मैं अकेडमी परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आर्थिक अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों ने यहाँ पधार कर और इस मंच को इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मैं बधाई देता हूं उन बच्चों को जिन्होंने यहाँ आके पार्टिसिपेट किया। दोस्तों जिंदगी में सिर्फ पढ़ाई और फिजिकल से जिंदगी नहीं निकलती, आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। आपको हमेशा आगे आना चाहिए कि मैं कोई स्पीच दूंगा, मैं कोई डांस करूंगा, मैं कोई गीत गाऊंगा, आप में एडिशनल एक्टिविटी होनी चाहिए। और आपकी इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी हमेशा ये कोशिश करती है कि आप में ये क्रिएटिविटी लाए, कि आप में कुछ अलग गुणवत्ता हो। जब कभी आप भारत देश की फौज की वर्दी पहनेंगे तो वहाँ भी आप जैसे बहादुर सैनिकों की जरूरत रहती है जो एडिशनल कोई काम कर सके। आज पूरा देश नीरज चोपड़ा और उनके साथियों के लिए बहुत ताली बजा रहे हैं, बहुत उनके स्टेटस लगा रहे हैं। अगर वो सिर्फ स्कूल में पढ़ाई करते, बढ़िया मार्क्स लेके आ जाते तो आज शायद नीरज चोपड़ा को कोई नहीं पहचानता। उन्होंने अपनी जिंदगी में एक अलग क्षेत्र चुना जो कि खेल था, और खेल के अंदर उस लेवल तक गए जहां तक जाने के लिए बहुत से आदमी सपना देखते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उनको मिलता नहीं है। अपने एक मिल्खा सिंह जी थे, अभी पिछली बार उनका कोविड के कारण देश को उनकी क्षति हुई, देश उनकी क्षतिपूर्ति नहीं कर सकता था, लेकिन उनका हमेशा ये सपना था कि मैं जिंदा रहूं जब तक कोई ना कोई एक गोल्ड मेडल लेकर आए। और आज अगर वो जिंदा होते तो शायद उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, भगवान उनकी आत्मा जहाँ भी है उनको शांति दे। लेकिन नीरज चोपड़ा ने वो सपना पूरा किया और वो जो पदक है वो उन्हीं को समर्पित किया। समर्पित करना, उसके पीछे उसकी कितनी बड़ी तपस्या, कितना बड़ा त्याग है, कब से कड़ी मेहनत कर रहा था। नीरज चोपड़ा और मिल्खा सिंह का कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन है वो रिलेशन है, वो भारतीय दोनों, और एक भारतीय कोच के लिए उन्होंने वो करके दिखाया कि उनका सपना, उनके मृत्यु के बाद उसका सपना पूरा कर दिया नीरज चोपड़ा ने। तो दोस्तों जो भी इस मंच के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको भी ऐसा एक प्रण लेना चाहिए कि मैं जिंदगी में किसी ना किसी का सपना पूरा करूंगा, उस सपने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा और पूरा प्रयास करूंगा कि पूरे देश और विश्व में मेरा नाम हो। ये किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। बहुत से ऐसे उदाहरण है जो जिनके कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि इस क्षेत्र में भी क्या इंटरनेशनल लेवल का नाम हो सकता है क्या। एक राजेंद्र सिंह जी थे जो इधर आपके भीलवाड़ा, बांसवाड़ा इस तरफ पानी की बड़ी समस्या थी, तो उन्होंने बांध बना के और पानी की व्यवस्था वहां कर दी थी, उनको मेगा से अवार्ड मिला था। तो आप कोई भी देश और समाज के लिए बढ़िया काम करो तो उसमें आपको इंटरनेशनल लेवल का सम्मान मिल सकता है, और उसके लिए सिर्फ आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ो और बढ़िया काम करो तो आप उस स्थान को हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना अनमूल्य समय दिया। मैं यहीं पर आप
वाणी को विश्राम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ऑफिस में ये चार जने खड़े हो, ये चेयर ले जाओ ऑफिस में ले जाओ। वो वाली लेके जाओ, वो वाली लेके जाओ, वो ऑफिस वाली चेयर लेके जाओ। अलग 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 नाले ओए आवाज।